खबर राजस्थान के सूरतगढ़ से है, जहां केमिस्ट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण और होली मिलन समारोह के धूमधाम से महाराजा पैलेस में नगर पालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा की अध्यक्षता में मनाया गया। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक गंगाजल मील रहे और इस मौके पर अध्यक्ष एसोसिएशन के नव निर्वाचित कार्यकारिणी की शपथ दिलाई गई और अनिल शर्मा अध्यक्ष, देवेंद्र सारस्वत सचिव, पवन मुंजाल को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। साथ ही होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होली के गीत पर एसोसिएशन के सदस्यों ने जमकर ठुमके लगाए और पूर्व विधायक गंगाजल मेल समेत व्यापारिक संगठनों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। क्योंकि सर्वसम्मति होने से आप चाहे कुछ भी हो, छोटा मोटा बिजनेस तो आपका है ही है। आप यदि ईमानदार काम करते हैं, लेकिन फिर भी जो अधिकारी होते हैं, यदि आप पे कहीं की भूख रहे तो वो आपका सोच रखने पर नहीं रहेंगे। अब यदि किसी एक दुकानदार के खिलाफ में नहीं, वो गलत कार्रवाई करता है अधिकारी, तो सोचे तुम्हारे सारे उसका गिरफ्त कर सकते हैं। संगठन में ताकत होती है, नजर आ रहा है, तो आपको उस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और नई कार्यकारिणी, जो कि बहुत ही खुशी की बात है कि सर्वसम्मति से जिसका निर्वाचन किया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अन्यथा क्या होता है, व्यापारियों में तो प्रतिस्पर्धा वैसे ही बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन पद की प्रतिस्पर्धा आपने त्याग कर और संगठन को एक मजबूत गति देने के लिए सर्वसम्मति से चुनाव किया, इसके लिए पूरा केमिस्ट एसोसिएशन, पूरा परिवार बहुत बहुत साधुवाद का पात्र। आज इस कार्यक्रम में पधारे मीडिया के बंधु और अन्य जो आमंत्रित यहाँ महानुभाव पधारे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पोखड़िया पीर मोहल्ले में उग्र भीड़ ने शराब को लेकर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर अचानक हमला बोल दिया और हिरासत में ले गए शख्स को लेकर कार्रवाई करने से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। पीरडी मोहल्ले में रविवार की देर रात ताड़ी दुकानदारों पर कार्रवाई को गए युवक को भगाया और स्थानीय लोगों ने, तो पुलिस कार्रवाई से आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और साथ ही ये बताया गया कि पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की और नशे में धुत एक को लेने के बाद ये लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद भीड़ ने रोड़ेबाजी भी शुरू कर दी और कई जवान घायल हुए। बताया जा रहा है कि करीब ढाई घंटे तक बवाल जारी रहा, जिसके बाद पुलिस सूचना पर मिठनपुरा थाना के साथ बेला सदर की टीम मौके पर पहुंची। ताड़ी दुकानदारों ने विरोध किया, जिसके बाद नगर थाना और थानों के साथ सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई, तो वहीं पुलिस की सख्ती भी दिखाई दे रही है। वहीं बता दें, भीड़ पर जमकर लाठी बांधी गई। फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है, लेकिन मौके पर आक्रोश भी जारी है। खबर सूरतगढ़ से है, जहां आयुर्वेद विभाग राजस्थान के सहयोग से महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ के द्वारा चोपड़ा धर्मशाला सूरतगढ़ में आयोजित 10 दिवसीय निःशुल्क अर्श भगंदर शल्य चिकित्सा शिविर रविवार को समापन हो गया। समारोह की शुरुआत अतिथियों के द्वारा भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई थी। केंद्र के अध्यक्ष दिलीप कृष्णन अतिथियों का स्वागत किया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गंगाजल मील ने आयुर्वेद चिकित्सा को लाभदायक बताते हुए सभी रोगियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सूरतगढ़ में आयुर्वेद चिकित्सालय के भवन के लिए भूमि आवंटन के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही शिविर के आयोजन के लिए आयुर्वेद विभाग व महावीर इंटरनेशनल सूरतगढ़ केंद्र का धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष CRPF के कमांडेंट महिपाल सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में संस्थित चिकित्सा विभाग की सराहना करते हुए निस्वार्थ मानव सेवा को सच्ची सेवा बताया और इस सेवा को निरंतर जारी रखने का आह्वान किया। वहीं CRPF की ओर से हर संभव सहायता करने का भरोसा दिया गया। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित नगर पालिका सूरतगढ़ के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह, नगर पालिका सूरतगढ़ के अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, पूर्व विधायक अशोक नागपाल, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष ललित सिडाना, समाजसेवी प्रेम सागर बाहेती ने शिविर के सफल संकल्प के साथ ही तमाम चिकित्सकों का भी आभार जताया। तो वहीं शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कनवाड़िया ने शिविर के बारे में जानकारी दी और कहा कि शिविर में कुल 188 रोगियों की जांच की गई, जिनमें से 79 रोगियों के ऑपरेशन बस्ती आदि की गई। साथ ही शल्य चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश चेचू ने शिविर में सेवाएं दी और चिकित्सक नर्सिंग कर्मियों की टीम को सर्वोत्तम बताते हुए बवासीर के कारण निवारण और बचाव के संबंध में भी जानकारी दी गई। खबर गढ़वा से है, जहां जिला मुख्यालय के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 भगलपुर मोहल्ले में गढ़वा जिला कानून वैश्य संघ के बैनर तले होली सह पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोग, जो कि सरकारी कार्य पदों से सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र, गमछा, प्रेरणा स्रोत, बुके व गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि कानून वैश्य संघ जिला अध्यक्ष पलामू हरिद्वार साव के साथ ही जिला सचिव विपिन साव, अवधेश विद्यार्थी, विशिष्ट अतिथि
मचियाव अंचला अधिकारी रामजी प्रसाद को मंच पर सह सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण कराया, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान समाज के महिलाएं पुरुषों को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष राम बहादुर शाह, वार्ड पार्षद रिंकू कुमारी, प्रतिनिधि सुनील कुमार, प्रमोद कुमार, संतोष साहब समेत तमाम लोग मौजूद रहे। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां न्यायालय कोर्ट का आज उद्घाटन होने के बाद अधिवक्ता और बार कार्यों में खुशी देखने को मिली। जहां पूरनपुर विधानसभा में न्यायालय खुलने से ट्रांस शारदा क्षेत्र के अलावा जनपद के सीमा से जुड़े गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। पूरनपुर प्रगतिशील अधिवक्ता संघ काफी समय से ग्राम न्यायालय पूरनपुर में बनाने की मांग कर रहा था, और पूरनपुर तहसील परिसर के पीछे ग्राम न्यायालय भवन है जो कि तहसील कोतवाली के नजदीक है। दो दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने पीलीभीत एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी ने पत्र जारी कर सीमा से लगे सभी एसडीएम सीओ थाना प्रभारी को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश जारी किए, और इसके अलावा यातायात प्रभारी डीसीआरपी समेत अन्य विभागों को भी अलर्ट करने को कहा गया। एसपी डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति 13 मार्च को पीलीभीत पहुंचे थे और हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तो वहीं पूरनपुर में ग्राम न्यायालय का उद्घाटन करने के बाद वे वापस लखनऊ लौट गए। और पूरनपुर प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सक्सेना ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद ग्राम न्यायालय का उद्घाटन किया गया, जिससे हम अधिवक्ताओं के साथ ही बातकारियों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। तो वहीं हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने आज सोमवार को ग्राम न्यायालय का उद्घाटन किया और पीलीभीत न्यायालय में सिविल जज जूनियर डिवीजन पद पर तैनात निधि सागर को न्यायाधीश ग्रामीण न्यायालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं अब ग्राम न्यायालय के बाद मुंसिफ कोर्ट पूरनपुर लाने की तैयारी में है। तो वहीं प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सक्सेना ने बात कही और कहा कि मुंसिफ कोर्ट शीघ्र खुलवाने के प्रयास को तेज किया जाएगा। तो वहीं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास लगभग 2.5 एकड़ जमीन है जो कि मुंसिफ कोर्ट के नाम पर दर्ज है, और इसके अलावा हाईवे पर भी 14 एकड़ जमीन पर मुंसिफ कोर्ट बनाने की बात चल रही है। वैकल्पिक रूप से मुंसिफ कोर्ट पुराने एसडीएम कार्यालय में खोलने की तैयारी पूरी की गई है। तो वहीं भवन के रंगाई पुताई मरम्मत का कार्य भी शुरू हो चुका है। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष संजय सक्सेना ने बताया कि ग्राम न्यायालय को पीलीभीत अधिवक्ताओं ने विरोध भी किया था और पूरनपुर अधिवक्ता संघ विजयी हुई है। फूलतेई त्योहार उत्तराखंड का वो पर्व जो चैत्र मास के संक्रांति को मनाया जाता है। ये चैत्र मास का प्रथम दिन माना जाता है और हिंदू परंपरा के अनुसार इस दिन में हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। ये त्यौहार नववर्ष के स्वागत के लिए मनाया जाता है और इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ों में अनेक प्रकार के सुंदर फूल भी खिलते हैं। पूरे पहाड़ कांचल रंग बिरंगे फूलों से सज जाता है और बसंत के इस मौसम में फियोली, खुमानी, पूलम, आड़ू, बुरांश, भिटोरे आदि के फूल हर कहीं खिले नजर आते हैं। जहां पहाड़ बुरांश के सुर्ख लाल चटके फूलों से सज जाते हैं और घर आंगन में लगे आड़ू खुमानी के पेड़ों में सफेद और हल्के बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। गांव के छोटे बच्चे सुबह जल्दी उठकर गांव के सभी लोगों के घरों के चौखट पे पूजा की जाती है। बच्चे फूलदेई, छम्मादेई, जतू के देला और उते के सही ढेणी द्वार पर भकार गीत गाकर परिवार खुशहाली मनाता है। देखा जाए तो होली पर्व के बीच उत्तराखंड का ये पर्व खुशियों से भरा है, जहां हर तरफ फूलों का ये पर्व छाया रहता है।